हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ उडुपी। तो जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, मैं वाटर के लिए कहीं पर जा रही हूँ। तो हम लोग आए उडुपी, अभी है मालपे बीच पे, बीच पे नहीं, बीच के पास ही 1.3 किलोमीटर फ्रॉम द लॉजिंग। तो यहाँ पे हम लोग ने बुक किया था स्टे के लिए। वहाँ चेक इन था 11 बजे तक मिल जाएगा बोल रहा था, बट 5:30 को ही हम लोग पहुँच गए थे उडुपी। तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग को लॉजिंग सबसे पास वाला कहीं पे जाके रहना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और मैं अभी उठी हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 10:40। तो अभी निकलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, फिर स्कूटी लेंगे, फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे। आई थिंक प्रोबेबली हम लोग मालपे भी जाएंगे पहले, क्योंकि बहुत पास है, वो देख के चले जाएंगे। फिर हम लोग रवंते बीच, और काफ़ी सारे मैं बताते जाऊँगी जहाँ पे जा रहे हम लोग। तो कीप वॉचिंग द ब्लॉग। डेल्टा पॉइंट जाने का बहुत ज़्यादा मन है मुझे, कि मिलते हैं हम लोग नीचे जाके। उनका बीच किस तरह है पता नहीं, यहाँ से काफ़ी पास है, दुकान भी नीचे। ओके, शिपयार्ड है जो यहाँ पे, इसके पास ही है जहाँ पे हम लोग रह रहे पहुँचे। इसका नाम है कॉम्फर्ट, क्या था? ओके, इसका नाम है अक्षय कॉम्फर्ट्स। बाप रे, क्या हो गया उनको? सो दिस इज़ सी वॉक मालपे भी, जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं। और ये है सेंट मेरीज। यहाँ पे फेरी लेके जाना पड़ता है ना? फेरी ओपन होगा अभी? नहीं नहीं नहीं, बंद है, क्लोज है अभी। हाँ, बारिश है, ऑफ सीज़न है अभी, इसलिए ठीक है। देखिए पहले मालपे चलते, हाँ ये पहले जाते हैं हम, हाँ यहाँ पे जाएंगे पहले, फिर सी वॉक जाएंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे पहले स्कूटी लेने। कितना दूर था? ये ऑफ सीज़न में ही आता है, जुलाई में तो क्या कर सकते था इंसान। बट हम लोग लास्ट ईयर आंदामान जो गए थे, तब भी बारिश थोड़ा थोड़ा सा ही चल रहा था। तो लाइक आंदामान जाके ऑफ सीज़न में ट्रिप कर सकते थे आप, कितनी है तो बहुत पास है। तो चलो पहले स्कूटी ले लें। और इनका ऑटो यहाँ पे ऐसे लाइन में लगा रहता है, पहले वाला ऑटो में जाना है और मीटर पे चलता है, क्योंकि यहाँ पे कैब सिस्टम नहीं है, कैब नहीं है ना कुछ भी। तो पास में ही है, रोड के पास, आरआर ब्रोस बाइक रेंटल बोल के। And bikes do you have? Bikes not available, sir. Today is not available? No, sir. No bike is available? No, bike available, but rainy season. Oh, yeah. White wala? Haan. Those bikes are... So, acha hi hai. Din ka 500 rupees, do din ka 900 rupees. Yeah. Yeah. Haan. 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 तो मैम बैठी है यहाँ पे, आरआर ब्रोस जो रेंटल है, तो मैं उनसे पूछ रही थी जगह अच्छा वाला, सबसे बेस्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। बेस्ट वाला यही है, अरबी फॉल्स है। अरबी फॉल्स, वो सब प्लेसेस अच्छा ही है, अच्छा जहाँ पे जितना लिखा है। आई रियली वांटेड टू गो देयर। माल पे तो हम लोग वहीं पे रहते हैं, एंड मरावंट है, इधर जाएंगे हम लोग ना शायद, अभी माल पे बाद में जाएंगे क्योंकि पास में ही है हम लोग। और अरबी फॉल्स हो गया, सिर्फ मरावंट ही दूर है ना, बाकी तो इज द एंड ऑफ कोटी बन गया था पास में, तो वाला सब एक्सप्लोर कर लेंगे। तो आईडिया सब एक्सप्लोर कर लेंगे, तो मतलब वो लॉन्ग है ना, अभी हम जाते हैं तो अच्छा लगेगा। हां इनका सही है, तो शाम तक बाद में, नहीं कल क्या पता बारिश हो गया तो मरावंट से नहीं होगा। हां आज ही शाम मरावंट तक तीन बजे तक हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बाद में आप काफू बीच जा सकते हैं शाम के वक्त, वो भी अच्छा है। लाइक कौन सा? काफू बीच। काफू बीच हां, लाइट हाउस वाला, वही बोल रही थी मैं। के लिए अच्छा है, बारिश नहीं हुआ तो होपफुली। डे वन का 500, तो हाफ डे हमने किया है। तो एक दिन के बाद से पर 50 रुपीज़ दे चार्जिंग, तो
मैम मेरा चैनल का वो नाम पूछ के अभी सब्सक्राइब कर रही है, सो स्वीट ओवर चेक कर लिया, स्क्रैचेस वगैरह चेक कर लिया और रास्ता पूछ रहे कहाँ से जाना। चलो भूख लगे पहले चलते, तो तुम निकल रहे थे क्या डायरेक्ट? हाँ मैं तो निकल ही गया था, नहीं खाना खाना है पहले, भूख लगी है। यहाँ पे दो हेलमेट नहीं चाहिए बोले तो हेलमेट नहीं पहने, पूछ लेंगे। 12 बजे गूगल में दिखा रहा था खोलने का ओपनिंग टाइम, तो ये जो रेस्टो है हम लोग गूगल करके आए थे सी फूड के लिए अच्छा वाला, तो ये अच्छा रेटिंग है, खाना भी अच्छा है देखा रेटिंग्स, तो लेट्स गो ट्राई। पहले पूछते हैं ओपन हुआ कि नहीं, इट्स 11:40 तो 12 बजे ही खुलेगा, तो हम वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको चेयर वेयर सेट कर रहे हैं ना वो लोग, करने देते हैं। कितना सुंदर है मरवन पे, यहाँ जाना है हम लोग को, तो आज चले जाएंगे, दूर है राइड करके जाना आई थिंक, ठीक है बट जाके आते हैं। और बस का तो भाई साहब मैं एक्सपीरियंस बताते हूँ आपको, इतना कितना गंदा था, तो ऑलरेडी बस डिले था क्योंकि कल हम निकले थे ना कल बैंगलोर से, तो इट वाज़ रेनिंग, उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक हुआ, इसकी वजह से बस भी डिले आया, हम लोग तो टाइम से ही पहुँचे थे, तो वो गए ठीक है चढ़ गए। उसके बाद 2 घंटे हो गए वॉशरूम के लिए पूछा, तो बोलते 11:30 बजे हम लोग चले थे 8:30 को, 3 घंटे बाद वॉशरूम डर के भाई थोड़ा समझना पड़ेगा उन लोगों को, वॉशरूम जाना पड़ता है, करने नहीं दिया वो ठीक है। तो पूछा डिनर कब होगा, सेम 11:30 बजे बोला, तो सेम वॉशरूम ब्रेक और 11:30 बजे वॉशरूम ब्रेक एंड डिनर साथ में, तो उतरे हम लोग, तो खाना तो नहीं है, हम लोग ने बन ऑर्डर किया था, तो कॉल आ गया अचानक से बस छोड़ रहा बोल के, 10 मिनट भी नहीं भाग भाग के आए हम लोग, तो कहाँ बैठना उधर चले या इधर बैठ जाते हैं अंदर, बनाना ले सो डैट हैपेंड, भाग भाग के गए हम लोग ठीक है। और उसके बाद जैसा उसने चलाया ना, बैंगलोर से उडुपी का रास्ता है 8 आवर्स समथिंग समथिंग लगता है, हेलीकॉप्टर में उड़ के आए हम लोग, इतना बॉडी पेन कर रहा है ठीक है, वहाँ से लेट हुआ बोल के हमारा पैसेंजर्स का हालत ख़राब कर दिया उसने, इतना गंदा चलाया, हम लोग को 5:30 पहुँचा दिया, 6:30 को पहुँचने वाले थे हम लोग यहाँ पे, 5:30 को पहुँचा दिया, तो डचाओ हम लोग को लॉजिंग वाला पे रहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत गंदा बारिश हो रही थी यहाँ पे सुबह, और खड़े होना वॉशरूम यूज़ करना था वो सब, इसलिए हम लोग उठ ही नहीं पाए, मतलब ऐसा था कि थोड़ा टाइम फ्रेश होके चाय वाय पी के निकल सकते, तो वैसा नहीं हुआ, सोना ही भरा बहुत गंदा क्योंकि मैं कल फ्लाइट से आई थी रात को, बहुत लेट हुआ था डिले, ये पहला इससे पहले वाला ब्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था, तो घर आते थे 3-4 बज गया था सुबह का, फिर दिन में काम पेंडिंग था वो सब करके, पर नींद ही पूरा नहीं हुआ था हम लोग का, तो इसलिए थोड़ा थके थे, बट आज रात को मेरा बर्थडे हो जाएगा 12 बजे, हम हैप्पी एटलीस्ट हम लोग आए हैं घूमने के लिए। क्या हुआ था? हालत खराब है ऑलरेडी, बस क्या जैसे अचार है सांभर है मैंगो अचार है क्या, जब से ऑर्डर दिया है ना तब से मेरे मुंह पे पानी बह रहा है, ऐसा लगता है सब देने वाला है, भूख लग गई है। मछली का ना मिक्स करी है ये, दिस इज स्क्विड सांबर टुकल डालता है, रिजर्विंग चिकन चिकन ही खाता है, बहुत अच्छा टेस्ट करने हमें कैसा अंजल 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 सुमाई बोल रहे सुमाई अंजल फिश फ्राइड, पहले खा लेते चलो, स्वीट घी रोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से रोस्ट किया, तो ये फिश फ्राई भी अच्छा, कैसा फिश बोला था अंजल एलिस्ट जैसा बोल रहे हैं, हाँ जना एलिस्ट जैसा
खिलसा जैसा टेस्ट। हो गया, अभी निकलेंगे हम लोग। और काफ़ी सस्ता है, 700 रुपीज़ का ही पड़ा हम लोग को। स्क्विड चिकन प्रॉन नहीं, फिश खा के 700 चिप ही है ना, 710 रुपीज़। ₹10 है बॉटल के लिए। बनते हैं बीच की तरफ, निकल पड़ते हैं हम लोग। चलो अरावंटे बीच से पहुँच गए बहुत टाइम तक राइड के बाद। हाँ, वेव्स देख पानी का, इस तरफ सी है उस तरफ रिवर है, यहाँ से तो नहीं दिखे, नहीं जा सकते पानी। बीच में रुके हम लोग, 2-3 लोग हैं वहाँ पे, डेंजर वेव्स चल रहा है ऐसे। थैंक गॉड बहुत ये बारिश नहीं हुआ, सुंदर है। बस आई थिंक सीजन में आते तो आई थिंक ये सब अलाउड होगा जाना वहाँ तक, यहाँ पे तो अलाउड नहीं, तो रहते हैं थोड़ा टाइम यहाँ पे। मुझे मन है पानी पे जाने का, बट डर लग रहा है बहुत, वेव चल रहा है हेवी वाली। थोड़ा सा चलेंगे नीचे, हाँ यहाँ तक आ रहा है पानी। पुलिस वाले आगे बुला रहे हैं, सबको हटा दिया है। पिक्चर लेने ही तो आए थे हम तो, चलो चलते हो गया। बाल बाल बिगड़ गया मेरा, मैं संजय दत्त दिख रही हूँ, पुराना संजय दत्त सा है। और टन पर बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, पूरा स्टेप ऐसे जा रहा है डायरेक्ट। तो चलते अभी, मुझे भी नहीं पता अभी नेक्स्ट कहाँ जा रहा है। डेल्टा पॉइंट आई वॉन्टेड टू गो, बट रास्ता अलग है, बीच में आता है। हम रेस्ट्रो से ना 32 मिनट्स बता रहा था, तो देखते ज़्यादा नहीं थके तो वी विल गो वहाँ पर। बात कर रहा है लोग तो अभी भी पानी में हैं। हम पी लेते पहले। अच्छा स्वीट है, चीयर्स। गर्मी में इधर टका के रिवर साइड है ना ये। हाँ अब उड़ गया टोपी ढीला करके मतलब वैसे ही था, मेरा सर छोटा है तुम्हारा, मैं नहीं पहनूंगी टॉप। आरबी फॉल्स नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश चालू हो गया है, और हम और रूम के लिए 10 मिनट बचाए तो रूम जा रहे हैं हम लोग। आरबी फॉल्स आज नहीं जाएंगे, बीक जाएंगे।
ज़्यादा बारिश हो गया था तो हम लोग रुक गए रास्ते पे, चाय तो पीना है मिलने से। 6 मिनट है तो मलपे भी हम लोग सोच रहे थे, रास्ते में आ ही रहे तो देख लेते हैं, रात को डिनर के लिए भी जाना है हम लोग को तो वहाँ जाने का सोच रहे थे। दिस इज मालपे बीच, भाई वेव्स देखो कितना जोर से चल रहे हैं। आँख खुला नहीं जा रहा, चश्मा पहन के मोंजोलिका बन गई हूँ मैं बारिश में भीग के, कितना गंदा बारिश चल रहा है देखो। तो काफ़ी टाइम पहले मैं आ गई थी वापस होटल पे और फ्रेश हो गए, अभी भी बारिश हो रही है तो पता नहीं शायद डिनर के लिए कितने बजे जाएंगे, पता नहीं अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट मैं अपडेट देते रहूँगी जब भी जाऊँगी मैं तो आई व्लॉग अगेन। तो अभी थोड़ा टाइम के लिए सो जाती हूँ मैं, क्योंकि और कुछ करने का तो है ही नहीं, बारिश ही हो रहा है उससे नॉन स्टॉप। सो सी यू सून, बाद में रेडी वेडी हो के मिलते हैं हम लोग बाद में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो थोड़ा टाइम सो के उठे, चाय वाय पी लिए और हम लोग देख सकते हो पिलो कौन सा है, बेडशीट कौन सा है समझ नहीं आ रहा। प्रिंट प्राइसेस वगैरह बताने थे आप लोग को पहले बिफोर वी गेट रेडी। तो बस हम लोग का था 700 बंगलोर टू उडुपी एंड दो जन का 1400, अभी जाने का 500 और भी सस्ता है तो 1000 रुपीस में हो गया। और ये जो रूम में रह रही हूँ लॉजिंग या कुछ तो अक्षय कंफर्ट जो मैंने डाला था पहले भी, तो डेट इज़ 1200 पर नाइट। तो जब मैं सुबह देख रही थी नियर बाय स्टे वाला, तो मैं ट्रिप से मिला था मुझे, तो केयर टेकर है उनको कॉल किया था तो पूछा मैंने कितना क्या है, डायरेक्ट चेक इन कर सकते हैं क्या, तो डेट्स आओ हम लोग यहाँ पे आए। तो मेक माई ट्रिप में टैक्सेस वगैरह के साथ ज़्यादा आ रहा था यहाँ पे, और भी मतलब चीपर है डायरेक्ट चेक इन करना। तो 1200 अगर 24 आवर्स वाला है, टिक को हमने शायद चेक इन किया था तो कल सुबह तक ही है, तो जितना हम लोग एक्सटेंड करते आई थिंक 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा हम लोग को, तो पर रूम 1200 रुपीज़ हो गया। अभी खाने पीने का जितना है वो हम लोग को गया 700 रुपीज़ कुछ लंच में, बाकी इधर उधर का जा रहा है वो बाद में ओवरऑल एक्सपेंसेस बताऊंगी आप लोग को। तो अभी वैसे मुझे रेडी होने का मन नहीं है, क्योंकि कभी बारिश होगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तब मन नहीं कर रहा रेडी होने का, ऐसे ही मैं जाऊंगी शायद। मिलती हूँ, बारिश हो रहा है देखो अभी भी थोड़ा, चलो पास ही है तो जाके आते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, एक जगह देख के हम लोग कैफ़े बीच के पास ही मलपे बीच के एकदम फ्रंट पे वहाँ पे जा रहे हैं। और मैंने हुडी ले रखा है ड्रेस के ऊपर, नहीं पहनने वाली थी मैं कुछ भी, मेकअप बेस वगैरह कुछ नहीं किया मैंने, ब्लशर लिपस्टिक एंड सम मस्कारा बर्थडे बोल के तो बोल रहा था पहन रहा ड्रेस, तो कुछ और पहनने वाली थी बट बारिश की वजह से वो नहीं पहनना हो पाएगा, हील्स एंड वगैरह नथिंग आई एम वेयरिंग। तो ऐसे ही जा रहा, मिलते हैं पहुँच के, बारिश हो रहा है बबल्स बोल के बीच बार अंदर चलते। स्कूटी के पीछे जो बैठी थी उसके वजह से कंघी नहीं हो पा रहा, अभी जबरा हो गया पूरा लाइक दिस।
फाइनली गाना बंद हुआ तो मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो अभी खाना वाना हो गया, हम लोग का टाइम होने वाला है, अभी केक आएगा, केक काटेंगे और चले जाएंगे हम लोग वापस। ये मेरा बर्थडे केक कैंडल बताने बोला है। Happy birthday to you. चॉकलेट फ्लेवर बोला है। करते हुए बूढ़ा बेटी बुला रहा मुझे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सो गाइस केक कटिंग अभी, बर्थडे इज डन। मुझे बस सोना है, इतना खा, बहुत ज़्यादा खा लिया सच में, तो सोना है बस। और कल जाके एक्सप्लोर करते हैं साथ में। बट आई वुड सजेस्ट दिस प्लेस चिल करने के लिए, डिनर वगैरह के लिए, इफ़ यू कम टू उडुपी, मलपे बीच में स्पेशली। एक्चुअली अच्छा है जगह चिल करने के बाद, सुंदर है, एम्बियंस भी, और ठंडा रहता है, बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा अभी भी, पर अच्छा है। अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं पूरा संजय दत्त लग रही हूँ, पता नहीं पूरा संजय मेरे हेयर स्टाइल की वजह से अजीब सा लग रहा है। ये जो रिंग है मुझे गिफ्ट में ऑलरेडी मिल चुका है, बर्थडे से पहले ले लिया था मैंने, और ये वॉच भी मिला मुझे बर्थडे, इसने दिया है, दिस इज़ गोल्ड रिंग, कैरेट में से क्यूट सा यहाँ पे डायमंड दिया बीच में, तो थैंक यू सो मच। और मैंने तो ले लिया अपना जो जो चाहिए अपने बर्थडे के लिए गिफ्ट्स, और नायका ने मुझे लिपस्टिक भी दिया है बर्थडे गिफ्ट में, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैक का लिपस्टिक, लिपस्टिक जानबूझ के बोला है लिपस्टिक, अच्छा। उसको लग रहा है मैं टोतला के उल्टा बोल रही हूँ, नहीं पता है, पर जानबूझ के बोला है लिपस्टिक, अच्छा लगता है बोलना। और ये लहर का पॉली पर्स से जो लिया था, मुझे बहुत क्यूट लगता है ये, सो रैंडम। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह आए। गुड मॉर्निंग, मैं जस्ट टूटी हूँ अभी, कल आते मैं सो गई थी मेकअप हटा के बस, और उठ के मम्मी से बात किया, बर्थडे विशेस का रिप्लाई दिया मैंने, और कॉल जो आए थे लास्ट नाइट को मैं अटेंड नहीं कर पाई, मतलब उठाया ही नहीं, मैं सो गई थी, साइलेंट पे ही था फोन तो पूरा दिन से, तो मैं सो गई थी। इतना खा लिया था सच में कि मैं हिली भी नहीं पूरा रात को, और वो जो पूरा नींद मिला मुझे, अभी मैं फ्रेश हूँ, कल जल्दी सोया बोल के। तो हाँ, बर्थडे खुश होना चाहिए मुझे, बट मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि 22-23 के साल से मैं ये एज पे कैसे पहुँची मुझे नहीं पता, ये बहुत जल्दी वाला जर्नी था, पता ही नहीं चला मुझे। सो ये हम लोग मिलेंगे बाद में फ्रेश होके, चाय लाने गया है वो, फिर निकलेंगे थोड़ा टाइम में, तो ब्लॉग को देखते रहना। हो गया रेडी अभी निकलने के लिए, तो रास्ते से कुछ खा लेंगे और लंच बाद में करेंगे, तो पहले डेल्टा पॉइंट जाएंगे डायरेक्ट, फिर आरबी फॉल्स देखते हैं कैसा होता है, या फिर दूसरा बीचेस कुछ आया तो। सो कीप वॉचिंग द ब्लॉग। और हैट लेके जा रही हूँ, कल मैं हैट नहीं लेके गई थी और गर्म लग गया था, तो इसलिए तो टोपी रखा था। चलो निकलते, बैठ के जा सकते क्या उसको घोड़ा? मम्मी लोग के लिए सॉरी, कपड़ा देख रहा हूँ, मेरा हैंड भी पकड़ रहा हूँ, और भूल गए थे, काफ़ी टाइम चला गया। बारिश रुक गया अभी फिर से, तो अभी फिर से हम लोग निकल रहे हैं डेल्टा पॉइंट के, डेल्टा पता नहीं आज हो ही नहीं रहा, बट यहाँ से 24 मिनट्स ही है डेल्टा पॉइंट, तो वो निकल रहा है, बस बारिश ना हुआ। ये देखो धूप ने ये इससे बचने के लिए, और बाल जो मेरा फंस गया था सब, वो नहीं होने के लिए।
टेम्पल लेके आए। बोट पे जा सकते हैं क्या? स्विमिंग प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। अच्छा ये साइड वाला रास्ता है। गाइस फाइनली डेल्टा पॉइंट सुंदर है, कितना सुंदर है। वो कौन सा बीच है पता नहीं, भैया व्हाइट कैन दिख रहा है। यहाँ पे भी संडीला बे बोल के जगह, दिस इज सो पीसफुल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम बैठूंगी, वेव्स का जो आवाज़ है बहुत सूदिंग लगता है, अच्छा लगता है। तो आई विल सिट हियर फॉर सम टाइम। स्टेज बनाया स्टेज, ओ ओ ओ सो ये है डेल्टा बीच, और उस तरफ जो बीच है वाइट सैंड वाला उसको देख रही थी। तो मैप खोल के देखा तो वो दैट इज़ द एक्चुअल एंड पॉइंट, जो बीच है कोडी का उस तरफ है, यहाँ से नहीं है। दिस इज़ डेल्टा बीच एंड पॉइंट में तो यही दिखा रहा है, बट पता नहीं कुछ मेरे को भी समझ नहीं आ रहा अभी, बट प्रोबेबली उस तरफ है एंड पॉइंट वाला। तो अभी बोट वोट है ना यहाँ से उस तरफ जाने के लिए, होगा ना वो वाइट सैंड है पूरा, तो वो अच्छा होता, बट कोई नहीं दिख रहा वहाँ पे, कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं। और हम लोग का फोटो सेशन वगैरह हो गया यहाँ पे, काफ़ी टाइम बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आरवी फॉल्स तो चले, यहाँ से दूर है थोड़ा, बारिश नहीं है तो ट्राई करते जाने का, वो तो जंगल साइड में है तो पता नहीं जाने देंगे नहीं देंगे, तो ट्राई करते जाने का। और खाना भी है बीच में, क्या टाइम हो रहा है पता नहीं, चलो सी यू गाइस वहाँ पे चल के। बाप रे इतना इतना टाइम खाने के जगह ढूंढने के बाद, क्योंकि वो चिकन खाते हैं मैं सी फूड खाती हूँ, वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वेज वाला ज़्यादा रेस्टोरेंट्स मिल रहे थे और आधा नॉन वेज वाले सब 7 बजे खुलता है इवनिंग का, तो उसके चक्कर में बहुत टाइम चला गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हम लोग को ढूंढते ढूंढते। तो फाइनली हम लोग आए यहाँ पे फिशरमैन्स बे बोल के, और सी फूड भी है चिकन भी है इसमें, फ़िश वाला आइटम कुछ नहीं है। तो बैठे हैं, जगह अच्छा है बहुत, मालपे के एकदम, मालपे बीच के एकदम साइड में है। ठीक है खा के निकलना है जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा, बहुत थके हालत देख सकते हो, तो खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी। कितने सारे बन थे भाई, तो मेन्यू ज़्यादा लोग नहीं देख सकते, यही नहीं है ऑलमोस्ट, सीज़न नहीं है बोल के सब बंद करके रखा, वरना खुलते हैं। काश उन लोगों ने रखा है क्या पार्क में, तो इस टाइप का ये स्टे वाला है। जब तक खाना बन रहा है तब तक टाइम पास चल रहा है। मैंने ऑर्डर किया प्रॉन्स क्रैब घी रोस्ट है, और दाल चावल, और उसका चिकन नहीं आया, वेट कर रहे। ये देखो ये बोलता है क्या है, हाँ वैसे क्या है। तो क्रैब का मैंने अंदर का निकाल के सारे इसमें डाल दिया, ये देखो उसका कचरा कितना, वाइट में हर जगह लगा हुआ है, पैन पे भी इस पर भी ख़त्म। अभी मैं चम्मच से खाना खाऊंगी। यहाँ पे जो मैम बैठे हैं उनके यहाँ पे बहुत अच्छी थी मैम, यू आर वेरी स्वीट, बट आई कुड नॉट मीट यू बिकॉज मैम चली गई है घर, और निकल रहे अपन लोग, बाय बाय पैरट। गाइज इफ़ यू कम हियर और जल्दी चेक इन करना हो मैकपाई ट्रिप वगैरह में मत जाना, प्लीज़ कम हियर, बहुत अच्छा है, एक्सटेंड भी कराते हैं आधा रेंट में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट हियर, और गूगल में भी है उनका। या अच्छा, तो मैं अभी आ गई हूँ बैंगलोर पे,
आई कुड नॉट कम्प्लीट द ब्लॉग कल वहाँ पे उडुपी पे बिकॉज अब देखो बहुत रश में आए थे हम लोग, स्कूटी वापस करना था, फिर वहाँ से स्कूटी रख के बस स्टैंड जाना था, तो बहुत ज़्यादा रश में थे और पूरा दिन क्योंकि मैं फ़ोन ब्लॉग कर रही थी तो बैटरी ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट डेड हो गया था, और वहाँ जाके रूम पे जाके टाइम नहीं मिला चार्ज करने को, और बस पे चढ़ने के बाद भी दो घंटे तक यूएसबी पोर्ट था ऑन नहीं किया दोनों में, तो आई कुड नॉट कंटिन्यू द ब्लॉग, इसलिए अभी आके पूरा दिन काम वाम करके रेस्ट लेके अभी आई हूँ। उडुपी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश नहीं होता तो शायद और भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता हम लोग का, बट सिंस मानसून सीज़न है तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्टिल ऑफ सीज़न में जाना चाहिए क्योंकि क्राउडेड नहीं रहता है, बारिश का इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है टच से, एंड लोग जितना बार इंटरेक्शन किया लोगों के साथ बहुत अच्छे लोग मिले हैं, एक्चुअली दे वर वेरी स्वीट 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 पीपल। आ गए अभी और ये देविता, ये देविता का गिफ्ट है मेरे बर्थडे के लिए, आप लोग को दिखा देती हूँ, ये बहुत टाइम से चाहिए था मुझे वैसे पर लिया नहीं क्योंकि बहुत काफ़ी सारे मेरे पास हैं वैसे छोटा मोटा, बट दिस वन आई वांटेड, दिस इज़ अ सिपर, काफ़ी बड़ा स्टेनलेस स्टील का है, बहुत सॉलिड वाला है, तो ट्रेनिंग के टाइम से मेरे को चाहिए था ये, और ये पिंक कलर है बेबी पिंक, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच देविता। और ये भी लाए वो पीटा, जिन्हें गोटी लिए वो तो वहाँ से पीटा लाइए, बहुत अच्छा होता है, आई लव इट, ड्रेस होता है कोकोनट रहता है, थैंक यू सो मच अगेन। एंड और एक इंसिडेंट हम लोग को बताना था ताकि आप लोग अवेयर रहे कभी भी बस से ट्रेवल करते हो, बीड एनी रूट ठीक है, उडुपी का ही नहीं है, कहीं भी आप जाओ, तो क्या हुआ था कल आते समय वॉशरूम ब्रेक दिया था, अभी जस्ट मॉर्निंग दिया था ब्रेक, हम लोग तो सो गए थे तो वॉशरूम ब्रेक के लिए गए तो लाइन पे लगे हुए थे पे करके जो यूज़ करने वाले थे, बहुत सारे लेडीज थे ठीक है, तो मैं अंदर बस घुसी तो मनसुख को कॉल आया, मुझे बोला कि कोई लड़का ना वॉशरूम के वहाँ से वेंटिलेटर नहीं होता वहाँ पे, तो जंप कर करके लेडीज़ वॉशरूम में देख रहे थे, तो और उसने लोकल्स को बताया और वो भाग गया था लास्ट में, तो जस्ट बी अवेयर कहीं भी जाते हो तो देखना वॉल्स कहीं पे होल वगैरह हो ठीक है, या फिर वेंटिलेटर तो देख के मशीनरी मेजर्स लेना हमेशा अच्छा होता है, तो जस्ट बी केयरफुल क्योंकि अभी कुछ भी होता है, कुछ भी लोग कुछ भी कर रहे हैं पता नहीं ठीक है, नोबडी कैन बी ट्रस्टेड, और ये सब स्पेशली लेडीज़ को, तो जस्ट बी केयरफुल, वो बस वो शेयर करना था मुझे, अदरवाइज ओवरऑल एक्सपीरियंस आई लाइक इट, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो, आई नो ज़्यादा हम लोग जा नहीं पाए जगह पे, सी वॉक, अरबी फॉल्स, सेंट मेरीज आइलैंड बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न रेनिंग, तो प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम, और मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया होगा, सो हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, और तब तक ध्यान रखो अपना और एंजॉय करते रहो, एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए, टेक केयर।